कांग्रेस के अगले अध्यक्ष राहुल गांधी रविवार को गुजरात में 26वीं बार मंदिर पहुंचे। उन्होंने खेड़ा में श्री रणछोड़ जी मंदिर में दर्शन किए। बाहर आने पर जब राहुल ने जनता के अभिवादन के लिए हाथ हिलाया तो लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। इसके बाद राहुल यहां से रवाना हो गए। गौरतलब है कि हाल ही राहुल अहमदाबाद के मोगलधन बावला मंदिर गए थे। पूजा के दौरान पुजारी सरदार सिंह परमार ने उनसे सोनिया गांधी की तबीयत के बारे में पूछा। पुजारी ने सोनिया के जल्द ठीक होने की कामना की और राहुल को प्रसाद में एक चुनरी भेंट की। इसके बाद राहुल गांधी ने अचानक मोबाइल से सोनिया गांधी की पुजारी से बात करवा दी। वहीं प्रसाद में मिली चुनरी को माँ सोनिया गांधी और बहन प्रियंका को देने की बात कही। उल्लेखनीय कि राहुल गांधी ने द्वारका में माथा टेक कर नव सर्जन यात्रा शुरू की थी। 29 नवंबर को वह सोमनाथ मंदिर गए थे तो विवाद भी खड़ा हुआ था। इस दौरान कहा गया था कि मंदिर में राहुल का नाम बतौर गैर हिंदू दर्ज किया गया है। अहमद पटेल भी राहुल के साथ थे। दोनों ने ही रजिस्टर पर दस्तखत नहीं किए थे। विवाद बढ़ने पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सफाई दी थी कि राहुल गांधी ने विजिटर्स बुक में एंट्री की थी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में पिछले 2 महीने में 4 बार मंदिर गए हैं, जबकि दूसरी ओर गुजरात चुनाव में कुछ सप्ताह की अवधि में राहुल 26वीं बार मंदिर गए हैं और यह तो तय है कि इससे पहले वह कभी इतनी अधिक बार मंदिर नहीं पहुंचे। इस तरह उनकी मंदिर यात्राओं का श्रेय गुजरात चुनावों को जाना चाहिए।